यहाँ पर थोड़ा खड़े होके ही चलाना पड़ेगा जैसे सौम्य भाई जा रहे हैं। अरे भाई साहब देख लो, थार का टेस्टिंग हो रहा है यहाँ पे। निकाल लिया भाई ने गाड़ी का पूरा ये हमारा संबलपुर का लद्दाख। हेलो गाइस, दिस इज अभिलाष एंड वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल वंडरलस्ट अभिलाष। एंड आज का मौसम बहुत ही सुहाना है, शाम का 4:30 हो रहा है एंड थोड़ा थोड़ा हवा चल रहा है मस्त वाला पूरा। एंड बहुत ज़्यादा ही बादल हो रखा था कुछ समय पहले एंड हम लोग ने प्लान किया था कि 4:30 तक निकलेंगे एक जगह पे। आज मिलने जा रहे हैं सौम्य भाई से मिलेंगे, फिर उसके साथ और एक नया जगह जाएंगे। घर से निकल के आ गया हूँ मैं थोड़ा दूर आगे। चलो कैमरा का सेटअप कर लिया, बाइक ऑल सेट, कैमरा ऑल सेट, लेट्स गो। जय माँ समलेश्वरी। अभी मैं जा रहा हूँ रिंग रोड से, ये है रिंग रोड। बहुत ही अच्छा काम चल रहा है यहाँ पे अभी संबलपुर का रिंग रोड। हाँ, अगर आप जानते हो, मुझे फॉलो करते हो तो आई एम फ्रॉम संबलपुर, मेरा होम टाउन है। एंड वहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा सनसेट होने का है अभी। आगे जा रहा है 108, ज़्यादा स्पीड नहीं करेंगे। आई थिंक कोई नहीं जा रहा है तो हम उसको ओवरटेक कर सकते हैं। सो यू कीप एंजॉइंग, मैं थोड़ा भगाता हूँ गाड़ी और पहुँचता हूँ लक्ष्मी डूंगरी पहाड़। लक्ष्मी डूंगरी एक चौक है जहाँ पे सौम्य भाई और हम मिलने वाले हैं आज। लेट्स गो। अभी आपके सामने जो पहाड़ दिख रहा है वो है लक्ष्मी डूंगरी हिल। आपके सामने जो रोड दिख रहा है हमारा संबलपुर का लद्दाख। भाई 2 साल से संबलपुर का लद्दाख बना रखा है इसको, पहले नहीं था ये लद्दाख, पहले ये NH था, मतलब हाईवे था बोल सकते हो, और अभी ये बन गया है लद्दाख। पूरा हिली रोड है भाई, ऑफ रोडिंग, पूरा प्रॉपर ऑफ रोडिंग। 2 किलोमीटर का नहीं, 2 किलोमीटर नहीं होगा, 1 किलोमीटर होगा। एक्चुअली यहाँ पे रास्ता का काम चल रहा है, फ्लाईओवर का काम चल रहा है, रेलवे फ्लाईओवर का, एंड ये चल ही रहा है 2 साल से, तो चल ही रहा है। मैं जब से कोविड की वजह से घर आया हूँ तब से चल ही रहा है ये, पता नहीं कब ख़त्म होगा भाई साहब। और उधर मस्त सनसेट होने वाला है आज भाई, और आई थिंक सौम्य भाई आ चुके हैं इसीलिए वो कॉल कर चुका है 2 बार। मैं नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि मेरे को जल्दी पहुँचना है उसके पास, उठाऊँगा तो फिर बहुत झमेला है। सामने गेट दिख रहा है, इसी को रिप्लेस करने के लिए, इसी को मतलब क्या बोलते हैं, बाईपास करने के लिए और फ्लाईओवर बन रहा है, पर बन नहीं रहा है भाई। जल्दी बन जाए तो राहत मिल जाए ना बहुत लोगों की। यहाँ से बुल्ला टाउन जो हम जा रहे हैं या फिर हीराकुद टाउन हो, सब जाता है और बहुत टूरिस्ट लोग आते हैं जो संबलपुर से बुल्ला जाते हैं सब, तो जाम लगा रहता है यहाँ पर। अभी थोड़ा खाली है दोपहर का टाइम है बोल के, मैं तो बहुत जाम लगा रहता है यहाँ पर। चलो पहुंच गए हम लक्ष्मी डोंगरी चौक, देखते हैं सौम्य भाई कहाँ है। अच्छा यहाँ सामने रुके हैं भाई। और सौम्य भाई रेडी, तो आज सनसेट देख के ही रहेंगे ना, तो आज सनसेट देख के ही रहेंगे। साला बादल हो रखा था, अचानक से कितना धूप आ गया देखो। क्या सैम नहीं आया? वो सो रहा होगा, बोला ना मैंने वो नहीं बचेगा भाई। चलो आप रास्ता दिखाओ। ये है सौम्य भाई जिनसे आप लोग बहुत पहले मिल चुके हो, जो लोग मेरा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट वाला वीडियो नहीं देखे हो देख लो, जिनसे आप लोग बहुत पहले मिल चुके हो, जो लोग मेरा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट वाला वीडियो नहीं देखे हो देख लो।
सर। तो हम एंटर कर रहे हैं बुल्ला में। क्या क्या? हाँ अच्छे से लगा है, गिरेगा नहीं आज। गिरा तो ही इधर गिरेगा, फिर करियर खत्म। हाँ ये वाला लिया मैंने, अभी अभी लिया है। अरे इसके लिए जरूरत है, कुछ सामान रहता नहीं है। पानी बोतल हाँ रख सकते हैं छोटा सा, मतलब नहीं एक लीटर वाला पूरा रह जाता है बिस्लरी का, पर लिया नहीं है मैंने। चलो भगाते हैं, सनसेट हो जाएगा नहीं तो। चलो अभी हम बुल्ला सिटी के अंदर हैं। अभी हम जा रहे हैं पीसी चैनल के ऊपर, पावर चैनल इसको बोलते हैं। हीराकुड डैम में जो पावर प्रोड्यूस होता है उसका जो पानी बाहर निकलता है ना, वो इसी चैनल के थ्रू आगे जाता है, इसलिए इसको पावर चैनल बोलते हैं। ये जो बुल्ला टाउन, इसका चौक है ये बुल्ला टाउन का, एंड ये बुल्ला टाउन है। अंदर अंदर और भी टाउन है, तो ये बाहर का रोड है बुल्ला का, बुल्ला सिटी का, आई मीन बुल्ला टाउन का, आप जो भी बोल सकते हो। देख पा रहे हो दोनों साइड में पेड़ है यहाँ पे, एंड जो सनलाइट है ना ऐसे अप डाउन और डाउन, हाइड एंड सीक खेल रहा है ऐसा लग रहा है, अच्छा लगता है भाई। नेचर का जो ब्यूटी है ना वो कुछ अलग ही है भाई, अलग ही लेवल का ब्यूटी है नेचर का। यू कांट इवन कंपेयर दिस विद आर्टिफिशियली मेड थिंग्स, वो मज़ा नहीं मिलेगा आपको आर्टिफिशियल थिंग में। कुछ समय के लिए मिल सकता है, पर जो नेचर से मिलता है ना वो मज़ा नहीं मिलेगा आपको। एक्चुअली डोमिनर में फास्ट सर्विसिंग के बाद आपको पता चलेगा क्या क्या कमियां हैं, पता नहीं डोमिनर या फिर सारे चीज़ों में। सुनो भाई वही बोला थोड़ा भगाया, वो समय भाई उसको लगा मैं ब्लॉक कर रहा हूँ तो थोड़ा स्लो जाए जाना पड़ेगा ऐसा कुछ बोल के, पर ऐसा कुछ नहीं है, हम जा सकते हैं स्पीड। यहाँ से शुरू होता है हीराकुड डैम का चढ़ाई, हीराकुड डैम तक मतलब डैम ऑब्वियसली हाइट में बना है ना, तो ये सब साइड में जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको ये 12 पहाड़ है, ठीक है। इसका स्टोरी ऐसा है हीराकुड डैम का कि जब इसको बनाया गया था तब उसको लोकेशन ढूंढ रहे थे, ठीक है, तभी ये 12 पहाड़ी मिला, मतलब रिवर बेल्ट में ऑब्वियसली देख रहे थे हीराकुड डैम के रिवर बेल्ट में या संबलपुर इलाके में, उनको मिला 12 पहाड़ का ये चीज़, मतलब 12 पहाड़ का ये पूरा सेटअप जो कि बना बनाया था। और ये 12 पहाड़ को बांध के, मतलब इनके बीच में जो जगह था उसको फील करके ये लोग बनाए ये पूरा का पूरा डैम। तो इनको ज़्यादा मिट्टी भरने को नहीं पड़ा या फिर ज़्यादा डाइक्स बनाने को नहीं पड़े, डाइक्स ऑब्वियसली बना हुआ है फिर भी ये नेचुरल डाइक्स की तरह काम किए। तो हेड्स अप टू द इंजीनियर्स ऑफ दैट एरा, 1952 में ये बना था भाई, तब भी इंजीनियर अच्छे थे, अब भी इंजीनियर अच्छे हैं भाई और आगे भी रहेंगे। एंड ये जो डाइक आ गया, इधर से सीधे जाएंगे तो डैम जहाँ से दिखता है ना, जहाँ पावर चैनल है वहाँ दिखता है, और ये ऊपर हम जाएंगे और राइट साइड में डाइक की तरफ जाएंगे लेफ्ट में। यहाँ से आप जाकर अशोक निवास, एक यहाँ का गेस्ट हाउस है, और वो मीनार देखिए लिखा हुआ है जवाहर मीनार। सामने देखिए व्यू है, सामने देखिए गोल्डन आर में पूरा कितना व्यू अच्छा है, मस्त पूरा, और पेड़ों के बीच में कितना अच्छा दिख रहा है भाई, लिटरली सही मस्त दिख रहा है व्यू, मस्त दिख रहा है भाई।
वाटर स्पोर्ट्स वगैरह होता है यहाँ पे पूरा, पर आज हम यहाँ पे नहीं जाने वाले हैं, यहाँ पे ब्लॉग बना चुके हैं हम लोग, सो आगे जाएंगे आज। लिखा वाटर स्पोर्ट्स, यहाँ से ऑफरोडिंग, ये ऑफरोडिंग, ऑफरोडिंग। बस मेरा भाई का मेरा बाइक का हालत सही नहीं है भाई, यहाँ पर थोड़ा खड़े होके ही चलाना पड़ेगा जैसे सौम्य भाई जा रहे हैं, क्योंकि मेरा बाइक ऐसे भी पीछे से थोड़ा उसका सॉकअप का प्रॉब्लम हो रहा है। वो इतना नीचे नहीं लाने वाला था, पर और आगे नहीं लगे, यहीं पे रखते हैं। अरे भाई साहब देख लो, थार का टेस्टिंग हो रहा है यहाँ पे भाई, ये है थार, देख लो भाई। हम निकालें क्या? निकाल सकते हैं, पर पेंट पेंट सब जाएगा पूरा का पूरा। और सामने आप देख सकते हो पूरा मस्त वाला सनसेट, पूरा पिक्चरिस्क वाला। चलो ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ पूरा एक्सपल से आपका व्यू, एक्सपल के साथ देख लो पूरा व्यू। उसके बाद मैं जाके दिखाता हूँ यहाँ पे डोमिनार से आपका व्यू, देखो डोमिनार से व्यू। एक बार एक्सपल से व्यू दिखाएं, एक बार डोमिनार से व्यू। कमेंट में बता देना। अभी लगा दिए हैं दोनों के दोनों साइड में साइड, अभी आएगा ना मज़ा वीडियो। हाँ कचड़ा कचड़ा भाई, लोग कचड़ा छोड़ेंगे नहीं फेंकना। अरे बादल के पीछे चला गया सनसेट, मतलब सम्य भाई थोड़ा हवा लेते हुए। चलो अभी थोड़ा कुछ भी कुछ भी। कुछ भी कर रहे हैं भाई, कुछ भी करोगे क्या? लड़की हो तो भाई जोश आ जाता है। बाएं साइड में जो है ये पूरा जंगल है, मतलब पहाड़ी है, और दाहिने साइड में राइट साइड में जो है पूरा रिजर्वायर है। फन फैमिली टाइम चल रहा है मस्त। सनसेट का फोटो लेते हुए लोग, और ये देख सकते हो पूरा मस्त सनसेट हो रहा है, पहुंचते पहुंचते हो जाएगा पूरा सनसेट आई थिंक। चलो कोशिश करते हैं पहुंचने का। वो जो दिख रहा है ना वो डाइक बनाया गया, ये नेचुरल। मस्त भी वैसे जो भाई, क्या नजारा है भाई साहब, गजब मस्त वाला सनसेट भाई। वहां पे आगे जाके रुकते हैं,
भाई क्या नज़ारा था वहाँ पे यार थोड़ी देर पहले, सुपर वाला अभी अराउंड कितना बज गया, अभी 6 बज गया, 6 बज गया और सनसेट पूरा कंप्लीट हो गया है। जो देखने आए थे वो पूरा अच्छे से देखे आज, जो सनसेट देखने आए थे एंड अच्छा सनसेट देखने को मिला, मस्त वाला था। मतलब इतना जो सूरज था ना पूरा राउंड शेप में था और क्लाउडी था ना, तो मस्त दिखा, ज़्यादा मज़ा आया आज पूरा। एंड जिस चीज़ के लिए आए थे वो सक्सेसफुल हो गया, दो जगह हम घूमे, दो जगह से सनसेट देख लिया पूरा का पूरा। होपफुली आपको इस बार का साउंड क्वालिटी अच्छा आया होगा, अगर अच्छा आया है तो फिर थोड़ा सब्सक्राइब बढ़ाइए, सब्सक्राइबर का कमी है यहाँ पे, कमेंट में बताइए आपको सनसेट वाला ये मतलब ये जगह आपको पता था क्या जो हम आज गए थे। अगर वो पता था तो यस बोल के कुछ भी डालिए आप नीचे, अगर नहीं पता था तो अच्छा है वो जगह, फिर से जाइए। एंड ये हम लोग का बुल्ला साइड डाइक में आता है ये जगह पूरा का पूरा, और ये संबलपुर से अगर आप पास देख रहे हो तो संबलपुर सिटी है, ठीक है। एंड ये आज जो भी आप देखिए ये पूरा मेरा मोटो ब्लॉग वाला सेटअप से देखें, सामने से देख रहे हो, मेरा माइक नहीं है अभी यहाँ पे, आई डोंट नो कितना अच्छे से आ रहा होगा आपको वॉइस। और ये सौम्य भाई हैं भाई, आज मतलब हम लोग सोच ही नहीं थे कितना अच्छा जाएगा, क्योंकि बादल आ गया था ना पूरा का पूरा, बारिश होने वाला था पूरा, इसलिए मैंने वीडियो को शुरू से बताया, फिर भी अच्छा गया। अभी चलते हैं वापस, वापस जाने टाइम वीडियो को अगर हुआ तो कहीं पे एंड करेंगे, अंधेरा हो गया रहेगा ऑलमोस्ट। कोल्ड कॉफ़ी तो पी के जाएंगे भाई, यहाँ का ही फेमस कोल्ड कॉफ़ी है, तो वहाँ पे जाएंगे पीते हैं और हो सके तो उसके आसपास एंड करेंगे वीडियो, फिर संबलपुर वापस। चलो मिलते हैं मोटो ब्लॉग वाले से। आलिया दुकान के आसपास पहुँच गए हैं, वहाँ पे अच्छा वाला कोल्ड कॉफ़ी मिलता है, वहीं उसको कॉफ़ी का थोड़ा चस्का लेंगे। कोल्ड कॉफ़ी है एक्चुअली, ये पायनियर है यहाँ का कोल्ड कॉफ़ी का, कोल्ड कॉफ़ी का ट्रेंड शुरू किया ये बंदे ने, इसलिए यहाँ पे मस्त लोग आते हैं, बहुत सारे भीड़ रहता है यहाँ पे। चलो पार्किंग तो मिल गया, पार्किंग तो मिल गया बोल रहा हूँ। कोल्ड कॉफ़ी पीने के बाद हम निकल गए संबलपुर के लिए और आधे घंटे में पहुँच गए हम हमारे घर। आपको आज का ये ब्लॉग, ये मोटो ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक शेयर दबा दें, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टू द एंड, टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।